मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा आप अपनी तरफ से भी कुछ चीज़ों का ख्याल रख सकती हैं जिससे आप अपने आप को वजाइनल इन्फेक्शन से बचा सकती हैं। तो वो चीज़ें क्या हैं? इसमें सबसे पहले बात आती है अपने पर्सनल हाइजीन की। जब हम पर्सनल हाइजीन की बात करते हैं तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप जब भी वॉशरूम का इस्तेमाल करती हैं तब हर वक्त अपने प्राइवेट एरिया को अच्छे से पानी से धोएं। इसके अलावा आप बीटाडीन का सॉल्यूशन ले सकती हैं और एक ढक्कन बीटाडीन को एक मग पानी में मिला के अपने प्राइवेट एरियाज़ में दिन में एक बार डाल सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये बताना चाहूँगी कि जितने भी इंटीमेट वॉशेज मार्केट में अवेलेबल हैं उनका लंबे समय तक इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये जितने भी इंटीमेट वॉशेज होते हैं ये वजाइना के पीएच को चेंज कर देते हैं और इस प्रकार से चेंज कर देते हैं कि वजाइना में रहने वाले हेल्दी बैक्टीरिया भी मर जाते हैं और इनका प्रोटेक्टिव इफेक्ट ना होने के बजाय कॉन्ट्राडिक्टरी इफेक्ट हो जाता है, वजाइनल इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। आप अंडरगार्मेंट्स वगैरह जो यूज़ करते हैं दे शुड बी कॉटन और होजरी मटेरियल। सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक अंडरगार्मेंट्स शुड बी अवॉइडेड। बहुत ज़्यादा टाइट क्लोथ्स लाइक टाइट जीन्स एंड ऑल नहीं पहनने चाहिए। यदि आप उनको अपने वर्क प्लेस में पहन के जा भी रहे हैं तो वापस आने के बाद आप कोई लूज स्कर्ट या प्लाजो या पजामा चेंज कर सकते हैं। इसका भी ध्यान रखें कि आपके जो भी कपड़े हैं वो डिटर्जेंट के साथ थरली रनिंग वाटर में वॉश किए जाएँ। कोई भी डिटर्जेंट अगर कपड़ों में रह जाता है तो कुछ लेडीज़ में वो एक इरिटेंट की तरह काम करता है एंड दैट कैन लीड टू रिपीटेड वजाइनल इन्फेक्शंस। इसके अलावा वजाइना के एरिया में या अपने लोकल जेनाइटल एरिया में किसी भी प्रकार के कॉस्मेटिक्स यूज़ ना करें। कोई भी डिओडोरेंट वगैरह या परफ्यूम स्प्रे उस एरिया में डालना आप अवॉइड करें। यदि आपको इरिटेशन या इचिंग फील होती है तो कुछ भी ब्लैंड चीज़ जैसे कि या तो पेट्रोलियम जेली या कोकोनट ऑयल आप वहाँ पे लगा सकते हैं। आप जब भी पब्लिक वॉशरूम यूज़ करें आप टॉयलेट सीट सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। ये टॉयलेट सीट सैनिटाइज़र्स आप टॉयलेट सीट पे डालने के बाद 10-15 सेकंड के लिए वेट करें और उसके बाद ही सीट पे बैठें। अगर आपके पास टॉयलेट सीट सैनिटाइज़र नहीं है तो या तो आप सीट के साथ अपना कॉन्टैक्ट अवॉइड करें या फिर आप सीट को काफ़ी सारे टिश्यू पेपर्स से कवर करके उसके ऊपर बैठें। ऐसा करने से आप अपने इन्फेक्शन के चांसेस को रिड्यूस करते हैं। वजाइनल डिस्चार्जेस या इन्फेक्शन का एक और कारण हो सकता है पीरियड्स के टाइम पर हाइजीन ना मेंटेन करना। सो मेंस्ट्रुअल हाइजीन को ज़रूर मेंटेन करें। कुछ फीमेल्स को सिंथेटिक सैनिटरी पैड्स से इरिटेशन होती है सो ऐसे में आप कॉटन सैनिटरी पैड्स यूज़ कर सकते हैं। आजकल कई कंपनीज हैं जो ऑर्गेनिक या कॉटन सैनिटरी पैड्स बना रहे हैं सो ऐसा पैड्स यूज़ करने से द वजाइनल इरिटेशन विल गो डाउन। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस। सेफ सेक्स का मतलब ये है कि आप कॉन्डम्स का इस्तेमाल करें ड्यूरिंग एवरी एक्ट ऑफ इंटरकोर्स। कॉन्डम्स ही एकमात्र ऐसा जरिया है जो एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन प्रिवेंट करता है। इंटरकोर्स के बाद आप हमेशा अपने प्राइवेट पार्ट्स को पानी से अच्छे से धोएं और यूरिन ज़रूर पास करें बिकॉज दैट रिड्यूसेज द चांसेज ऑफ यूरिनरी इन्फेक्शन आफ्टर इंटरकोर्स। आई होप आपको इस वीडियो में मिली इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा हुआ होगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाइक दिस स्टे कनेक्टेड।